लास्ट क्लास में मैंने हाइजेनबर्ग के अनिश्चय सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चय सिद्धांत है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो एक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, पार्टिकल। और वो पार्टिकल का जो पार्टिकल के द्वारा एक जो वेव पैकेट प्रोड्यूस किया जाता है या वेव पैकेट का निर्माण किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी अब इस यूनिट के अंदर हमने अभी तक चीजें पढ़ी वो सब की सब किसके ऊपर? एक गतिमान कण के ऊपर चीज पढ़ी है। गतिमान कण है, उस गतिमान कण के कारण, उस गतिमान कण के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग, उस तरंग की तरंग धीरे क्या होगी, उसका संवेग क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होती है, वो सब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर पढ़ा। उसके बाद वेव पैकेट पढ़ा, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट था? वो भी तरंग, गतिमान कण के कारण उत्पन्न होने वाले तरंग तथा तरंगों के समूह से बनने वाले वेव पैकेट के ऊपर डिपेंडेंट था। उसी प्रकार से जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी जो होता है वो क्या होता है? किसी गतिमान कण के कारण जो तरंग पैकेट है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था उसके अंदर हाइजेनबर्ग ने जो ये बताया था उसके अनुसार उसने ये कहा था कि अगर यदि किसी क्षण पर, यदि किसी क्षण पर अगर हम, यदि किसी क्षण पर एक कण की, एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति तथा संवेग का हम क्या नहीं कर सकते, संवेग का एक साथ, संवेग का एक साथ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक निर्धारण, यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल, आप लोगों को मालूम हो तो कोई भी पार्टिकल है वो गति कर रहा है, तो उस गति के साथ साथ उससे क्या होती है? एक तरंग भी उत्सर्जित होती है, और वो पार्टिकल के साथ साथ वो तरंग की भी गति होती है। तो इस सिद्धांत के अंदर उसने ये बताया कि किसी भी दिशा के अंदर कोई भी पार्टिकल जो अपने में से एक तरंग को उत्सर्जित करता है, वो अगर हम उस तरंग से, तरंग के साथ में जो पार्टिकल के साथ में जो तरंग उत्सर्जित हो रही है, उस तरंग के अंदर कोई एक सिंगल तरंग तो होगी नहीं, होगी तो पूरा का पूरा एक तरंग पैकेट होगा जिसमें तरंगों का समूह होगा, तरंगों के समूह से एक तरंग पैकेट निर्मित होता है। उस तरंग पैकेट के अंदर उस पार्टिकल की क्या स्थिति है? वो किस जगह पे, इस जगह पे स्थित है, इस जगह पे स्थित है, इस जगह पे स्थित है, इस जगह पे स्थित है। अगर हमने किसी एक जगह पे उसकी स्थिति का निर्धारण कर लिया ये एक्स, तो उस कंडीशन में हम ये पता नहीं कर सकते कि उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है। मतलब अगर हमने स्थिति को निर्धारित कर लिया तो उस कंडीशन में मोमेंटम का निर्धारण नहीं कर सकते, और अगर हमने मोमेंटम का निर्धारण कर लिया तो हम क्या नहीं कर सकते, स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने जो इसके अंदर ये कहा कि अगर किसी भी कण का हम क्या कर लेते हैं, कण की स्थिति का निर्धारण करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं या स्थिति के बारे में हम पता कर लेते हैं कि वो कहां पर स्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, संवेग में क्या आ जाती है, संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। मतलब उसका क्या संवेग है वो हम कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते। इसका उल्टा इसमें और क्या हो सकता है कि अगर हम कण का तरंग पैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, तरंग पैकेट में क्या कर ले, संवेग का क्या कर ले, निर्धारण कर ले, तरंग पैकेट हम क्या कर ले, संवेग का निर्धारण कर ले, तो उस कंडीशन में कण की स्थिति में क्या आ जाती है, स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। यह हाइजेनबर्ग ने कहा था। मतलब हाइजेनबर्ग के अनुसार अगर कोई भी पार्टिकल है वो गतिशील अवस्था में है, तो उस गतिशील अवस्था में उस पार्टिकल से एक क्या होता है, समूह वेग या एक तरंगों के समूह का उत्सर्जन होता है, क्योंकि गतिशील अवस्था में उससे रिलेटेड एक क्या होती है, तरंग होती है या फिर एक तरंग का समूह होता है। तो उस तरंग समूह के अंदर पार्टिकल की स्थिति क्या है, संवेग क्या है, अगर वो किसी दिशा में गति कर रहे हैं तो उन दोनों संवेग तथा स्थिति का दोनों का एक साथ में तो निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु एक समय में हम क्या कर सकते हैं,
एक चीज या एक राशि का हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, या तो स्थिति का कर सकते हैं या फिर सवे का, दोनों का साथ में कभी भी निर्धारण नहीं हो सकता। उसके लिए उसने गणितीय सूत्र भी दिया, उस आधार के ऊपर भी हम समझ सकते हैं कि उसने ये चीज क्यों कही और उसका यह कारण क्या था। जैसे कि देख लीजिए इसी के अंदर, अगर गणितीय रूप में यदि किसी कण, गणितीय रूप में यदि किसी कण, गणितीय रूप में यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या है, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, अनिश्चितता कितनी है डेल्टा एक्स है, तथा उसके संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो इन दोनों का, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल h cut by 2 से कम नहीं होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं गणितीय रूप में, इसको कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन के रूप में, डेफिनेशन डेल्टा h डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h cut by 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू, ये एकदम इसका परफेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। किसी किसी बुक में आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे भी लिखा हुआ होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, या फिर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये दो भी लिखे हुए होते हैं उनके अंदर। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो ये तीन रिलेशन है, इन तीन रिलेशन में, एक दो और तीन, इन तीन रिलेशन में सबसे परफेक्ट जो संबंध था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो कौन सा था, ये था। तो बात ये होती है कि सर जब ये एकदम सही रिलेशन है तो ये दो रिलेशन साथ में अलग अलग बुक में क्यों लिखे हुए, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये होता है कि जो ये दो रिलेशन, अदर दो रिलेशन दिए हुए, ये दो रिलेशन कौन से कंडीशन में सही होंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो सबसे परफेक्ट का रिलेशन जो है वो तो अनिश्चितता का रिलेशन यही है, भले आप एनर्जी और टाइम के लिए लिखो कोणीय संवेग तथा दूसरा किसके लिखो, कोणीय संवेग तथा दूसरा आप लिखो कोणीय विस्थापन के लिए लिखो, तो भी हमेशा एच कट बाय टू से उसकी वैल्यू अधिक होती है, ये रिलेशन हमेशा गलत होते हैं। इसका सही होने की एक जगह ये होती है कि आप लोगों को मालूम हो तो इसकी कोटी क्या होती है, 10 की घात माइनस की चौथी, इस चौतीस, इसकी भी कोटी क्या होती है 10 की घात माइनस की चौथी, और इसकी भी कोटी क्या होती है 10 की घात माइनस की चौथी। तो परफेक्ट वैल्यू या परफेक्ट रिलेशन तो हमेशा यही रहता है, लेकिन अगर हम कोटी के रूप में ज्ञात करना चाहे कि जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अंदर संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो किस कोटी के अंदर होगा, अगर हम ओनली फॉर कोटी 10 की घात पावर 10 की पावर के रूप में अगर ज्ञात करना चाहे तो ओनली फॉर किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इन दोनों का। मतलब किसी किसी बुक में आप देखो ना डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी, डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन एच कट या ग्रेटर देन एच लिखा होता है, उसका कारण एक ही होता है कि वो सिर्फ किसको प्रदर्शित करते हैं, वो ओनली फॉर ओनली किसको प्रदर्शित करते हैं, इस अनिश्चितता के मल्टीप्लीकेशन की कोटी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अनिश्चितता को ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको ये वाला रिलेशन ही यूज करना है, ये रिलेशन कभी भी सही नहीं होगा, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को ये एक रिलेशन मिल गया और दूसरी चीज आपको ये पता चल गई कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी का कौन सा रिलेशन आपको यूज करना है और कौन सा रिलेशन आपको यूज नहीं करना, वो यहाँ से आपको पता चल गया। अब आपको ये जान रखना है इसके अंदर एक चीज और, ये कि जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है
वो किन चीजों के लिए, किन राशियों के लिए लागू होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, हमेशा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत हमेशा कैसे विहित दो विहित सहयुग्मी, इंग्लिश में बोलते हैं होना निकल, होना निकल कौनजू ये के लिए ही लागू होता है। ये यहाँ पे जो कोनानिकल कॉन्जुगेट है, इसका मतलब ये है, कोनानिकल कॉन्जुगेट से मतलब ये होता है कि एक चर राशि का, एक चर राशि का जब हम क्या करते हैं फूरियर रूपांतरण, एक चर राशि का फूरियर रूपांतरण करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, दूसरी चर राशि मिल जाए। तो उस कंडीशन में उससे वैसे सहयुग्मी को कैसे सहयुग्मी बोलते हैं, विहित सहयुग्मी बोलते हैं। अब ये फूरियर रूपांतरण जो है वो आपके मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन जब हम इसी यूनिट के अंदर आगे की तरफ ऑपरेटर को पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में ये राशि जो ये फूरियर रूपांतरण है ये भी आ जाएगा, तो वहां पे आपको ये और भी अच्छी तरीके से याद रहेगा या समझ आएगा। तो आप लोगों को एक इसके अंदर जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर, वो आपको ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है वो हमेशा कैसे विहित सहयुग्मी चर राशियों के लिए ही लागू होता है, और विहित चर विहित सहयुग्मी चर राशियां जो होती है वो कैसी होती है, वो एक दूसरे के सापेक्ष फूरियर रूपांतरित राशियां होती है। अगर एक का फूरियर रूपांतरण करते हैं तो दूसरी मिलती है, और दूसरी का फूरियर रूपांतरण करते हैं तो कौन सी राशि होगी, पहली राशि प्राप्त होगी। जैसे कि आप मान लो, जैसे आप देखो जो एक्स है उसका फूरियर रूपांतरण जो होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, संवेग होता है। एनर्जी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, समय टी होता है। तथा उसी साथ में जो आप कोणीय संवेग एल या उसको किससे प्रदर्शित करते हो, जैसे प्रदर्शित करते हो उसका कोणीय विस्थापन या उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, कोणीय विस्थापन फाई या फिर थीटा। ये जो आपस में फूरियर रूपांतरण की संयुग्मी राशियां जो होती है वही उन्हीं के लिए क्या होगा, आप लोगों के हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अप्लाई होगा। अदरवाइज और कोई भी आप राशि ले लो जो कि आपस में कैसी ही नहीं है, विहित सहयुग्मी राशियां नहीं है, कोनिकल कॉन्जुगेट राशियां नहीं है, या फिर कोनानिकल कॉन्जुगेटेड क्वांटिटीज नहीं है, तो उस कंडीशन में कभी भी आप लोगों के हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आगे की तरफ आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से जो ये फॉर्मूला हमने निकाला या ये रिलेशन जो लिया है, इस रिलेशन से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत किस प्रकार से दिया या फिर अनिश्चितता सिद्धांत का कैसे पता चल रहा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अब देखिए, जैसे कि आप मान लो, जैसे कि इसमें मान लो कि अगर कोई भी कण है, कोई भी कण है, अगर उस कण की स्थिति में क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या है, मान क्या है, शून्य है। अनिश्चितता का मान शून्य है से मतलब ये हो गया कि आपने उस पार्टिकल की स्थिति का पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, निर्धारण। मतलब वो उस तरंग पैकेट, कोई भी पार्टिकल है गतिशील अवस्था में तो वो अपने में से एक तरंग पैकेट का क्या करता है, निर्माण करता है, और उस तरंग पैकेट के अंदर वो पार्टिकल कहाँ पर स्थित है उसका हमने निर्धारण कर लिया है, तो उस कंडीशन में उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर एक से डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एच कट बाय टू इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच कट बाय टू इंटू जीरो बराबर, मतलब संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी,
अनंत हो जाते हैं। यहाँ पे अनंत वैल्यू प्राप्त हुई। अनंत का मतलब क्या है किसी को नहीं मालूम, कहाँ पे है, कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी वैल्यू क्या है। अनंत का, अनंत वाली वैल्यू का आप कभी भी निर्धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर भी आप देखोगे तो आप सीधी सी देखो, जब आपने स्थिति का निर्धारण कर लिया, मतलब आप पार्टिकल उस तरंग पैकेट के अंदर कहाँ पर स्थित है उसका निर्धारण कर लिया, तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, खत्म होगी, उसका मान जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में अगर आप संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करोगे तो वो कितनी मिल रही है, अनंत मिल रही है। मतलब आप जब ने आपने स्थिति का निर्धारण कर लिया तरंग पैकेट में, तो उस कंडीशन में आप संवेग का निर्धारण कभी नहीं कर सकते कि उस कंडीशन पे या उस स्थिति पे पार्टिकल का संवेग क्या है, वो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी संवेग के अंदर अनिश्चितता का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसी प्रकार से इसका उल्टा करोगे तो उस कंडीशन में स्थिति के अंदर क्या आ जाएगी, अनिश्चितता इनफाइनाइट आ जाती है। ये इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर इसी फॉर्मूले से जो था हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, कहा था कि किसी भी क्षण पर संवेग के अंदर अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता जो होती है, या फिर आप ये कह सकते हो स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ किसी भी पार्टिकल के लिए निर्धारण कर पाना क्या होता है, नामुमकिन होता है, या फिर उनको दोनों को एक साथ में एक ही समय में आप क्या कर सकते हो, ज्ञात नहीं कर सकते कि उस समय पर, अगर किसी समय पर अगर उसकी स्थिति ज्ञात है तो उसका संवेग क्या होगा वो ज्ञात नहीं कर सकते, और किसी स्थिति कोई भी पार्टिकल है वो तरंग पैकेट में किसी गति, जिस संवेग से गति कर रहा है या जिस संवेग से आगे बढ़ रहा है वो हमको मालूम हो तो उस कंडीशन हम क्या नहीं कर सकते, उसकी स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। चीज और है, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर एक चीज और ये बता दूं कि कोई भी पार्टिकल जो होता है या फिर कोई भी क्वांटम यांत्रिकी में आप जो भी चीज पढ़ते हो वो सबकी सब किसके लिए पढ़ते हो, आप किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड तरंग पैकेट के लिए। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर, जैसे कि आप क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका व्यवहार जो है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, वो उसका व्यवहार जो होता है क्या किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी गतिमान कण जो होता है उसका व्यवहार, व्यवहार से मतलब उसकी स्थिति, उसका संवेग या फिर वो किस वेलोसिटी से गति कर रहा है, इन सब चीजों का पता जो है वो किससे पता किया जाता है, तरंग पैकेट से। गतिमान कण के व्यवहार को तरंग पैकेट का व्यवहार जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तरंग पैकेट पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और तरंग पैकेट जो होता है वो उससे रिलेटेड हमेशा एक क्या होता है, तरंग पैकेट से रिलेटेड हमेशा एक तरंग फलन होता है। तरंग पैकेट से हमेशा क्या होता है, एक रिलेटेड क्या होता है, तरंग फलन होता है। और हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी गतिमान कण है उसका व्यवहार के अंदर एक तो उसकी स्थिति और दूसरा उसका क्या आ गया, संवेग आ गया, और वो दोनों स्थिति तथा संवेग दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तरंग पैकेट के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर हमने गतिमान कण के कोई भी गतिमान कण है, कोई भी तरंग दे दे उससे रिलेटेड कोई तरंग तरंग पैकेट है, तो उस तरंग पैकेट की क्या होगी, एक तरंग द्वैध्रय भी होती है, तरंग पैकेट की होती है एक तरंग द्वैध्रय भी होती है। तो उस तरंग पैकेट की एक तरंग द्वैध्रय जो होती है, उसी तरंग द्वैध्रय के अंदर क्या किया जाता है, उस पार्टिकल की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, पार्टिकल की क्या किया जाता है, स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि कोई भी मान लो कोई भी तरंग पैकेट है इस प्रकार से है, क्योंकि आपको मैंने जो तरंग पैकेट था उसकी कल बताई थी कि दो दो या दो से अधिक तरंग जो होती है उनके अध्यारोपण से हमें क्या मिलता है, एक तरंग पैकेट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये एक तरंग पैकेट है, ठीक है, इस तरंग पैकेट से रिलेटेड क्या होगी, इसकी एक तरंग द्वैध्रय भी होगी, ठीक है। तो इस वेवलेंथ, इस लैम्ब्डा वेवलेंथ वाले तरंग पैकेट के अंदर उस पार्टिकल की स्थिति क्या है या संवेग क्या है वो हम क्या कर सकते हैं, वो इसके अंदर एक ही समय में एक साथ में ज्ञात नहीं कर सकते, उनका मान क्या होगा, अलग अलग समय पे अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब जैसे कि मान लो कि गतिमान कण है उससे रिलेटेड एक तरंग पैकेट है, और उस तरंग पैकेट की तरंग द्वैध्रय या फिर जो तरंग पैकेट है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरंग पैकेट में हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की स्थिति या फिर उस संवेग का हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर अगर हमने इस तरंग पैकेट के अंदर क्या कर लिया, आपको मालूम है इस तरंग पैकेट के अंदर, इस तरंग पैकेट के पास में वेग कौन सा होगा, हमू वेग होगा, ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है।
अगर आपने इस तरंग पैकेट के अंदर या इस तरंग पैकेट की इन सीमाओं के अंदर आपने क्या कर लिया, इसकी स्थिति इस तरंग पैकेट की क्या है, इस सीमाओं में आपने क्या कर लिया, जो इसकी सीमा है यहां से लेके यहां तक की जो इसकी सीमा है, इसमें आपने क्या कर लिया, स्थिति का आपने क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सभी में क्या उत्पन्न हो जाएगी, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से इस तरंग पैकेट के अंदर कोई भी पार्टिकल मान लो के गति कर रहा है और उसका आपको संवेग के बारे में मालूम है या वेलोसिटी के कारण उसका संवेग आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में इस तरंग पैकेट के ऊपर पार्टिकल कहाँ पे स्थित है वो आप पता नहीं कर सकते, आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो क्वांटम यांत्रिकी पार्टिकल के से रिलेटेड तरंग पैकेट या तरंग समूह के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो तरंग समूह है वो कण से उत्पन्न हुआ है, तो वो कण क्या होगा, उसी तरंग समूह के अंदर, उस तरंग समूह की जो सीमा होगी उसी के अंदर कहीं ना कहीं पे स्थित होगा। अगर हमने मान लो कि अगर उस समूह के अंदर हमने पार्टिकल कहाँ पे स्थित है उसका पता कर लिया, तो उस कंडीशन हम क्या नहीं पता कर सकते, उस स्थिति पे उस पार्टिकल की संवेग क्या, उसकी गति क्या, वो हम पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो कि आपने दूसरी जगह पर अगर आपने संवेग का निर्धारण कर लिया, तो उस कंडीशन आप क्या नहीं ज्ञात कर सकते, उसकी स्थिति क्या है वो ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी तरंग पैकेट जो होता है उससे रिलेटेड एक क्या होता है, एक तरंग फलन होता है या फिर एक वेव फंक्शन जो होता है उसको आप साई के रूप में प्रदर्शित करते हो, ठीक है। तो साई जो होता है वो क्या, एक तरंग फलन है, और इस तरंग पैकेट के अंदर कोई भी पार्टिकल जो होता है उसकी स्थिति का निर्धारण या फिर उसकी स्थिति या वो किस जगह पर स्थित होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस तरंग फलन की आयाम के वर्ग, आयाम के वर्ग, सॉरी एक मिनट है, यहाँ पे जो तरंग फलन है, तरंग फलन साई बराबर आप क्या पढ़ते हो, ए साइन ओमेगा पी माइनस के एक्स के रूप में, ये सब क्या होते हैं, वेव फंक्शन, साइन के रूप में हो कॉस के रूप में हो, तो ये किसको प्रदर्शित करते, वेव फंक्शन को डिफेंड करते। तो इसके अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर ये बताया जाता है या फिर इसमें ये कहा जाता है एक पॉइंट के रूप में, कोई भी पार्टिकल जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी तरंग पैकेट है, तो उस तरंग पैकेट के अंदर पार्टिकल की जो स्थिति है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इस आयाम के वर्ग के ऊपर, आयाम के वर्ग के ऊपर डिपेंड करती है। आयाम का जो वर्ग होगा उसकी जो प्रायिकता होगी, आयाम का जो वर्ग है उसकी प्रायिकता, आयाम के वर्ग की जो प्रायिकता होती है वही किसको प्रदर्शित करेगी, तरंग के अंदर कण की स्थिति का निर्धारण करती है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब अगर हम आयाम का वर्ग कर लेते हैं या फिर आयाम का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो जो वो स्क्वायर जो प्राप्त होगा या जो मैक्सिमम वैल्यू आयाम की प्राप्त होगी उसी बिंदु के ऊपर क्या होगा, उस तरंग पैकेट के अंदर या उस तरंग फलन के अंदर क्या होगा, पार्टिकल स्थित होगा उस बिंदु के ऊपर। जैसे कि मान लो कि ये वाला साइन का फंक्शन है, इसको अगर हम तरंग के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, इसका आयाम क्या है ए, तो उस कंडीशन में जो ये आयाम है उसका वर्ग होगा वो यहाँ पे, या फिर इस आयाम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी। तो जो पार्टिकल होगा उसकी सबसे अधिकतम पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, वो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है सबसे अधिक, पाए जाने की क्या होती है, अधिकतम प्रायिकता होती है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, एक मिनट है, ठीक है। तो अब ये जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को, इसमें एक चीज आपको और पॉइंट के रूप में इतना सा ध्यान रखना है कि जो कोई भी तरंग पैकेट है, इसके अंदर एक पॉइंट आपको और याद रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, कि किसी बिंदु पर तरंग पैकेट के आयाम, किसी बिंदु पर तरंग पैकेट के आयाम का वर्ग, आयाम का वर्ग उस
उस बिंदु पर कण के पाए जाने उस बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अब इसके लिए मैं आपको दो स्थितियां बताऊंगा। नहीं, अनुमान कंडीशन भी बता देता हूँ या दो चीजें भी बता देता हूँ। दो वे पैकेट ऐसे लेता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रायिकता है उसका क्या संबंध है या फिर उससे क्या रिलेशन है कि पार्टिकल पाया जाएगा या पाया नहीं जाएगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे मैंने मान लो कि एक तो पहला करंट पैकेट मैंने ये लिया, ठीक है, जिसके अंदर आप देखो ये वेवलेंथ, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, यहां से यहां पर ये लैम्बडा या फिर यहां से यहां तक ये लैम्बडा, और इसका आयाम, अगर इस आयाम इसके आयाम का आप स्क्वायर करोगे, मतलब ये मान लो कि ये इसका आयाम ए है, इस आयाम का आप स्क्वायर करोगे तो प्रत्येक बिंदु प्रत्येक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आयाम का मान सेम आ रहा है, ठीक है, और नेगेटिव वाले का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी उसी बिंदु पे आएगा जिस जगह पे पॉजिटिव वाला आ रहा था। और दूसरी कंडीशन जो ऐसे कि आप मान लो कि ये ले लिया आपने, ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसका कोई भी तरंग दैर्ध्य फिक्स नहीं है या फिर इसके अंदर कोई भी तरंग दैर्ध्य का मान आपको इस तरंग के लिए आप पता नहीं कर सके। इसके लिए तो वेवलेंथ का मान आपको लैम्ब्डा पता चल गया। जब आप यहाँ पे देखोगे वेवलेंथ लैम्ब्डा का मान आपको पता है तो उस कंडीशन में पी बराबर आपको लैम्ब्डा बराबर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में आपने क्या पढ़ा था, लैम्ब्डा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, तो पी बराबर क्या होगा एच अपॉन लैम्ब्डा। मतलब कोई भी तरंग दे दे आपको, कोई भी ऐसी वेव दे दे जिसका आपको क्या मालूम हो, जिसकी आपको वेवलेंथ मालूम हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसका संवेग का मान सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हो। जब आपने संवेग का मान सीधा सीधा ज्ञात कर लिया तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ऐसा वेव या फिर ऐसी तरंग जिसके वेवलेंथ का निर्धारण किया जा सकता है तो उसके संवेग का भी निर्धारण किया जा सकता है। जब आपने इस वेव के अंदर पार्टिकल के वेग या संवेग का निर्धारण कर लिया तो उस कंडीशन में आपने यहाँ पे इसके पी का मान, ये गति किस संवेग से बढ़ रहा है उसका आपने निर्धारण कर लिया। जब आपने संवेग का निर्धारण ज्ञात कर लिया तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें एक्स का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट या डेल्टा एक्स का मान इन्फिनिट। मतलब ऐसा तरंग या फिर ऐसा तरंग फलन जिसके अंदर उस तरंग फलन की तरंग दैर्ध्य का मान हमें मालूम हो तो उस कंडीशन में उस तरंग दैर्ध्य के लिए या फिर उस तरंग फलन के लिए हम कभी भी उस तरंग के अंदर पार्टिकल कहाँ पर स्थित है वो हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि इसके अंदर अगर आप किसी भी बिंदु के ऊपर आप क्या करोगे आयाम का स्क्वायर करोगे तो हर जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, समान होती है। इस वजह से यहाँ पर या फिर इस तरंग फलन के अंदर क्या किया जाता है, इस तरंग फलन के अंदर कभी भी पार्टिकल कहाँ पे स्थित होगा उसकी स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो हर बिंदु के ऊपर आप जैसे कि मान लो कि यहाँ पर करोगे तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू इसका भी स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू भी कहाँ पे आ जाएगी, इसी जगह पे आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाले का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ही समय पे दो स्थितियां प्राप्त होगी या फिर तीन स्थितियां प्राप्त होगी, चार स्थितियां प्राप्त होगी, अनंत स्थितियां प्राप्त हो सकती है। तो उस कंडीशन में यह कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में जिस भी तरंग फलन के लिए वेवलेंथ का निर्धारण कर दिया जाता है या फिर उस तरंग जिस तरंग फलन के लिए वेवलेंथ का मान मालूम हो तो उस कंडीशन में उस वेवलेंथ के आधार के डी ब्रोगली के द्वैत सिद्धांत के अनुसार हम उस पार्टिकल के संवेग का निर्धारण कर सकते हैं। जब हम संवेग का निर्धारण कर सकते हैं तो उस कंडीशन में उस तरंग फलन के अंदर पार्टिकल कहाँ पे स्थित है उसका निर्धारण हम कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पी का निर्धारण किया जा सकता है परंतु एक्स का
एक्स में क्या होती है, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, आपको इतना ध्यान रखना। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही जगह पे आयाम का मान क्या है मैक्सिमम है, या फिर आप कह सकते हो कि ए स्पेयर का मान जो है वो सिर्फ इस बिंदु पी के ऊपर क्या है मैक्सिमम है, ठीक है आया। और आपको मालूम हो तो अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि जहां पे आयाम का, आयाम के वर्ग का मान मैक्सिमम होता है उस जगह पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है सबसे अधिकतम। तो यहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है सबसे अधिक है। जब यहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता हमने सबसे अधिक है यह पता कर लिया तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पी के अंदर क्या आ जाती है अनिश्चितता। मतलब अगर मान लो कोई भी तरंग दे दे आपको दे दे, या कोई भी तरंग दे दे जिसके तरंग दे दे के बारे में अगर आपको मालूम हो तो आप समझ लेना उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये कि अगर मान लो कि कोई भी एक ऐसा तरंग दे दिया जिस तरंग फलन दे दिया जिसके अंदर आप उस तरंग फलन के अंदर आप उसके तरंग दे दिए का निर्धारण नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है उसके अंदर उसकी पार्टिकल की स्थिति का निर्धारण हम उसके आयाम के स्क्वायर के आधार पे या आयाम की मैक्सिमम वैल्यू के आधार पे कर लेंगे या फिर उसकी प्रायिकता के आधार पे कर लेंगे। परंतु उस कंडीशन में क्या हो जाता है स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ये इसके अंदर दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए अब आज का टॉपिक मैं अभी यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में जो आपके जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मान लो कि जो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है ना उसके लिए हाइजेनबर्ग ने सामान्यता कितने, सामान्यता हाइजेनबर्ग ने जो है तीन क्या दिए थे, तीन अनिश्चितता संबंध दिए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो था वो किसके लिए था, स्थिति तथा संवेग में, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता के लिए क्या दिया था, एक संबंध दिया था, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता संबंध दिया था जो कि क्या था, डेल्टा एच डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू। पहला संबंध हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से स्थिति और संवेग के लिए था, और सेकेंड रिलेशन जो था, सेकेंड रिलेशन वो क्या था, ऊर्जा समय में अनिश्चितता संबंध, ऊर्जा तथा समय में अनिश्चितता संबंध। तो ऊर्जा तथा समय में जो अनिश्चितता संबंध था वो क्या था, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन एच प्लस टू एच प्लस बाय टू। और तीसरा संबंध जो था वो किस किस के बीच में था, कोणीय संवेग जिसे आप एल या जे से प्रदर्शित करते हो तथा कोणीय विस्थापन थीटा या फाई में अनिश्चितता, थीटा या फाई में अनिश्चितता संबंध, ठीक है ये संबंध है। और ये जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये एक तो इसका रूप होता है ये एच कट बाय टू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट जे डेल डॉट थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू। तो ये दो रिलेशन आपको इसके अंदर मालूम होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और इन तीनों रिलेशन के
तो ये तीनों रिलेशन है, स्थिति तथा सभी में अनिश्चित था, ऊर्जा समय में अनिश्चित था, कोणीय सभी कोणीय विस्थापन में अनिश्चित था। इन के बारे में जो हम कल की क्लास होगी उनके ऊपर उस क्लास हम इनके प्रूफ भी करेंगे, जो ये तीनों अनिश्चित संबंध है, ये तीनों अनिश्चित संबंध किसी भी पार्टिकल के अंदर, कोई भी पार्टिकल है उससे रिलेटेड तरंग पैकेट के अंदर, अगर वो किस जगह पर स्थित है या किसी संवेग या स्थिति में अनिश्चितता क्या है, उसकी ऊर्जा तथा समय में अनिश्चितता क्या है, तथा उसके कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता क्या है, वो हम कल की क्लास में इन तीनों के ऊपर या इन तीनों का प्रूफ भी हम कर लेंगे।